हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गार्वी मोमेंट किचन चैनल पर। दिन है आज ट्यूसडे का और मॉर्निंग का टाइम है, और किचन देखिए गंदा हो रहा है। किचन कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है। मैं वहाँ से सामान लेके आई थी घर से, तो ऐसे डब्बे में भर भर के और डाल दिया है। तो आज सोच रही थी कि किचन को एक बार क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि 1 महीना होने को आया है। तो किचन क्लीन करने की मैं सोच ही रही थी, तो सुबह आज मैंने राजमा चावल बनाए थे, और इधर ये मैंने पानी ले लिया है डिटर्जेंट डाल के। तो राजमा चावल मैंने चढ़ा दिए थे। राजमा चावल में ये जल्दी बन जाते हैं। कुकर में, दोनों कुकरों में सीटी लगा दी, एक में चावल लगा दिया, एक में राजमा डाल दिया है। तो मैं फिर सुबह ही उठ के ना क्लीनिंग करने लग गई हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो खाना मैंने एक तरफ बना दिया है और ये लोग अभी उठे नहीं है, तो मैं करने लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग। और सबसे पहले कर रही हूँ बर्तन स्टैंड साफ़, क्योंकि है ना बर्तन स्टैंड को साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, एक बर्तन हटाने में। और आज इस तरह पूरे सामान एक साथ नहीं हटाऊँगी, बहुत काम फैल जाता है। तो एक एक चीज़ पे से, मतलब एक एक स्लैब पे से सामान हटा के और उसको क्लीन करके सामान तुरंत तुरंत जमा के रखती जाऊँगी। तो इस तरह करने से है ना टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, फैलता भी नहीं है और टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तुरंत तुरंत साथ में सामान जमता भी जाता है, और पूरा किचन एकदम खाली करके करो ना तो बहुत टाइम जाता है, 3-4 घंटे जाते हैं। और इस तरह से आराम से हम 1 घंटे में अपना पूरा किचन क्लीन कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं महीने में एक बार कर ही लेती हूँ, किचन क्लीन रहता है। और अभी दिवाली से पहले किया था, उसके बाद घर चले गए थे, और उसके बाद अब आई हूँ। तो ना 1 हफ्ते से तो मतलब मन ही नहीं हो रहा था, बस किचन में खाना बन रहा है और ऐसे नॉर्मली साफ़ करके रख दे रही हूँ। मतलब सामान भी मैंने ना डब्बे भी अपनी जगह पे सेट नहीं है, ऐसे ही जहाँ और जहाँ रखने में आ जा रहे हैं वहीं रख दे रही हूँ। तो चलो, मैंने कहा आज प्रॉपर तरीके से इसको साफ़ कर लेती हूँ। रूम वगैरह भी सारे है ना फैले पड़े हैं, वहाँ से आए थे तो कपड़े बस ला के ऐसे ही रख दिए हैं, सेट नहीं किए थे ढंग से। तो रूम भी करूँगी, लेकिन आज तो किचन ही करूँगी, किचन में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इधर मैं अभी कर ले रही हूँ पहले ये बर्तन स्टैंड क्लीन। तो बर्तनों पे प्रॉपर तरीके से बर्तन सारे सेट कर दूँगी, उल्टे सीधे हो रखे थे। और जो एक्स्ट्रा बर्तन है ना वो निकाल दूँगी, फालतू में जो यूज़ नहीं होते हैं ना, उससे वैसे ही किचन भरा पड़ा है। तो या तो ऊपर है ना जो अलमारी किचन के ऊपर रैक है, ऊपर फर्नीचर लगा हुआ, वहाँ डाल दूँगी, या फिर बेड में डाल दूँगी। तो इधर कर ले रही हूँ अभी साथ में फ्रिज को भी क्लीन। तो देखिए, फ्रिज है ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है मेरा अब आजकल, जब से मैंने ये वेजिटेबल्स के लिए मंगाए हैं बैग, बिल्कुल फ्रिज गंदा नहीं होता। बस एक कपड़ा मारो और फ्रिज एकदम क्लीन हो जाता है। और कई दिन हो गए फ्रिज साफ़ करे, लेकिन बिल्कुल साफ़ है। लेकिन एक मन की शांति के लिए है ना कि चलो बहुत दिन हो गए तो फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। तो वही है बस, और 5-7 मिनट में ही है ना फ्रिज एकदम से क्लीन हो गया, क्योंकि अंदर जो बॉक्स वगैरह है सब्ज़ी रखने के, आजकल मैं पैकेट में डाल के सब्ज़ी रखती हूँ, तो बॉक्स बिल्कुल भी गंदे नहीं होते, एकदम साफ़ सुथरे रखे हैं। नहीं, पहले सब्ज़ियाँ डायरेक्ट रखती थी ना तो पूरे काले काले और मैसी हो जाते थे, तो फिर उनको वही धो के डिटर्जेंट से तब साफ़ करना होता था। लेकिन अभी एकदम क्लीन है, बस थोड़ा सा पोछा पोछ पोछ के नहीं, और है ना फिर सामान को एज इट इज़ है ना लगा दे रही हूँ। जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दूँगी। तो फ्रिज में तो एक्स्ट्रा सामान क्या रहता है, बस वही है कि अदरक वगैरह सूख जाती है, कई बार एक्स्ट्रा अदरक आ जाती है, मिर्ची वगैरह पड़ी रहती हैं, तो वही मैं एक्स्ट्रा निकाल के फेंक देती हूँ, सफाई करती हूँ जब। बाकी तो सब एज इट इज मैं ऐसे ही लगा दूँगी सारा सामान। और देखिए, मैंने एक अभी मैंने जो कढ़ाई ली थी, जिसको मैंने यूज़ किया था कल के ही, मैंने ब्लॉग में जो मेरा आया था उसमें, तो मैंने उसमें डायरेक्ट भिंडी छौंकी थी। लेकिन मुझे किसी का मैसेज आया था, कमेंट आया था कि आप ना कोई भी नए बर्तन लो तो उसमें सबसे पहले दूध बॉयल करना चाहिए, अच्छा रहता है। तो मुझे ये पता नहीं था, आगे मैं ध्यान रखूँगी, ऐसा कोई भी ऐसा बर्तन लूँगी उसमें दूध बॉयल होना होगा तो मैं उसमें दूध बॉयल ही करूँगी पहले, अगर कोई भी बर्तन मैं किचन में नया लूँगी तो। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, तो मैंने वो सब मैं नहीं करती हूँ। और एक कमेंट ये भी आया था कि ये मेरा रेंट का घर है या फिर खुद का घर है, तो ये मैंने पहले भी मेरे जो शुरू के ब्लॉग थे यहाँ पर बेंगलोर आने के बाद, उनमें भी मैंने बताया था कि ये रेंट का ही घर है, मेरा खुद का घर नहीं है, यहाँ पर हम रेंट पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्रिज हो गया है क्लीन, और अभी ये एक एक करके रैक कर ले रही हूँ साफ़।
और रैक में भी जो एक्स्ट्रा बर्तन है वो निकाल दे रही हूँ, बाकी है ना बर्तन स्टैंड में लगाने वाले हैं वो बर्तन स्टैंड में लगा दे रही हूँ। बाकी इस तो सब है ना एकदम मतलब साफ से ही है, थोड़ा सा ऐसे सामान बस है ना इधर उधर हो गया है। जब आई थी ना तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था काम करने का, बस इतना ही हो रहा था कि खाना बना ले रहे हैं और बस थोड़ा थोड़ा कर ले रहे हैं, तो सामान सब है ना इधर उधर हो रहा है। तो वही बस मैं है ना एक बार ये देख देख के सामान अपनी अपनी जगह पर सेट कर दे रही हूँ, तो उससे किचन क्या है थोड़ा साफ सुथरा लगता है, बस इतना सा है। बाकी किचन इतना गंदा है नहीं है क्योंकि मेरा महीने में 2 बार तो ही साफ हो ही जाता है, डीपली कर देती हूँ महीने में 1 बार और 1 बार नॉर्मली वैसे कर ही देती हूँ, तो उस हिसाब उस वजह से इतना गंदा रहता नहीं है। बस एक एक बार कपड़ा मार के और है ना ये थोड़ा सा सामान सेट कर ले रही हूँ अभी। और ये उठ गए हैं अपना, आए हैं गर्म पानी करने के लिए, तो गर्म पानी कर रहे हैं। और मैंने फ्रिज में से तरबूज वगैरह मंगाया था तो वो बाहर निकाल के रख दिया है खाने की वजह से, खा लेंगे। और कुकर में लग गई है इधर सीटी, तो ये अभी मैं कर ले रही हूँ सारी रैक साफ एकदम से। तो फ्रेंड्स बर्तन स्टैंड में बर्तन लगा दिए हैं, बर्तन स्टैंड क्लीन हो गया, ये दोनों रैक भी नीचे से साफ़ कर दी है। ये एक रैक तो सिलेंडर वाली है, तो सिलेंडर वाली में जो ज़्यादा सामान कुछ है नहीं है, बस एक जूसर वगैरह रखा है तो उसमें कुछ भी सामान नहीं है। और आटे वाली में मैंने अभी आटा वगैरह भरा था तभी वो अलमारी साफ़ की थी, तो बस चीज़ें सेट कर रही थी उधर उस अलमारी में और कुछ था नहीं। और ये तो मैंने जब क्लीनिंग की थी दिवाली से पहले तभी की ही मैंने की है ये, तो इनको भी मैंने एक बार ये पेपर वगैरह है ना सारे बाहर आ जाते हैं चीज़ें निकालते करते हैं, तो मैंने ना फिर इनको एक बार डब्बों को पोंछ पोंछ के रख दिया, क्योंकि यहाँ पर है ना गैस पे कुछ बनाते हैं ना तो ऊपर थोड़ा चिकनाई जाती है तो हल्का सा ऐसा हो जाता है, तो डब्बे वगैरह पोंछ दो तो टाइम से तो सही रहते हैं, पोंछते रहते हैं, तो नहीं तो फिर ज़्यादा जम जाते हैं फिर काले काले से पड़ जाते हैं डब्बे वगैरह। तो वही मैं इनको एक बार सारी अलमारी को इधर इसको पूरे पोंछ रही थी, डब्बों को भी मैं ऊपर से पोंछ रही थी, वैसे तो सब धुले हुए साफ़ ही हैं क्लीन हैं, एक एक बार ऊपर से इन पर कपड़ा मार दे रही थी तो ताकि गंदगी ज़्यादा जमे नहीं। और टाइल्स वगैरह सब अभी कर लूँगी साथ में। और देखिए थोड़ी सी ठंडी पड़ने लग गई है इधर, तो स्वेटर वगैरह सब पहन के ही रखना पड़ता है सुबह के टाइम, दिन में नहीं लगती है, दिन में घर में अंदर रहते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन सुबह शाम ठंडी लगती है और अगर दिन में बाहर जाएंगे तो बाहर भी ठंडी लगती है, तो बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म स्वेटर नहीं लेकिन नॉर्मल स्वेटर पहन के बाहर निकलना होता है। अभी ठंडी वाला मौसम थोड़ा हो गया है और शाम को तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, मैं गार्बी को ट्यूशन लेने छोड़ने जाती हूँ ना तब तो पूरा कैप वैप लगा के ही जाना होता है क्योंकि बहुत तेज़ हवा हो जाती है। और आजकल इसका ट्यूशन टाइम लेट का भी हो गया है 5 बजे का, तो 6 बजे तक मतलब अंधेरा हो जाता है, आते हैं तब तक तो पूरा स्वेटर पहन के पैक वैक होके जाना होता है क्योंकि शाम को थोड़ी ठंडी हो जाती है इधर अच्छी सी। तो देखिए अब ये अलमारी साफ़ कर रही हूँ, और इसमें पहले क्या है कि पेपर लगा हुआ था तो मैंने ये आटे के जो निकला था कवर मैंने वही बिछा दिया, मुझे ये सब सही लगता है, ये फटता भी नहीं और ये साफ़ हो जाता है। मैं अलमारियों में भी है ना आटे का कवर ही बिछा के रखती हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक वाला होता है ना तो मतलब पोंछ दिस पोंछ सकते हैं इसको आराम से, गंदा नहीं होता ये। तो इस पर है ना ये जो आर ओ के बगल में है ना अलमीरा, तो इस चक्कर में है ना क्या है कि कई बार ये इसके पापा गर्भी के पापा है ना गिलास पानी पी के गिलास को उसके ऊपर ही रख देते हैं तो पेपर पूरा गीला हो जाता है तो ख़राब हो जाता है पेपर, उनको ध्यान नहीं रहता, कई बार वो ऊपर ही रख देते हैं साइड में पट्टी को तो पूरा गीला हो जाता है। इस वजह से मैंने आज है ना इस पर वो आटे आटा जो अभी आया था उसकी पन्नी मैंने धो के और इसी में काट के यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अगर वो रख भी देंगे गिलास तो पन्नी ख़राब नहीं होती है और पेपर एकदम गीला गीला होके फिर फटा फटा हो जाता है साइडों में से तो गंदा दिखने लग जाता है। तो देखिए डब्बे वगैरह पहुँच के एकदम क्लीन करके सेट कर दिए हैं, चीज़ें जगह पर सेट कर दी हैं, जौन सा डब्बा मुझे जहाँ रखना था पहले सब इधर उधर हो रखे थे तो सब सेट कर दिए। और इधर ये मैं जो मेरा चम्मच स्टैंड है वो मैं साफ़ कर दे रही हूँ, और गार्वी नहा के आ गई है, उसके पापा ने उसको नहला दिया था तो अभी मुझे बीच में उसको
रेडी करने भी जाना था, तो मैं उसको अब यहाँ पर बीच में रेडी करने चली गई थी, बस ये क्लीन करके, उसके बाद उनका लंच बॉक्स वगैरह करके, नहीं लंच बॉक्स वगैरह दे के पैक करके और उसको स्कूल भेज के, उसके बाद मैंने जो बाकी का किचन का काम था तब किया था, 1 घंटे उसी में लग गया था उनको, उन लोगों को खाना पीना देने में। उसके बाद आई थी किचन में, बस उसके बाद वो थोड़ा सा किचन ही रह गया था, तो ये बस ऊपर से जो टाइल्स हैं वो क्लीन करनी है, तो टाइल्स अब मैं सर्फ़ के पानी से क्लीन कर ले रही हूँ, और यहाँ पर बारिश आती है तो ये जो एडजस्ट है ना इसमें से पानी आ जाता है, तो यहाँ यहाँ की जो ये कॉर्नर वाली दीवार है ना इस पर थोड़ा सा गंदा हो रखा है, मतलब पोंछ देती हूँ लेकिन फिर भी दीवार पेंट है तो पेंट तो गंदा हो ही जाता है पानी से, तो थोड़ा सा बस वो कॉर्नर गंदा सा दिखता है वहाँ पर, बहुत गौर से देखते हैं तो दिखता है, इतना तो नहीं दिखता है, और टाइल्स वगैरह तो साफ़ हो जाती है, टाइल्स पर भी गिरता है पानी लेकिन टाइल्स तो क्लीन हो जाती है, तो टाइल्स कर दिए क्लीन, और इधर अब साथ में कर ले रही हूँ अपना गैस स्टोव क्लीन पूरा अच्छे से, काउंटर टॉप भी क्लीन कर लूँगी साथ में ही, तो इधर गैस वगैरह मैं कर ले रही हूँ, आज वैसे भी राजमा चावल बने थे तो राजमा में सीटी लगी, पूरा गैस एकदम से ख़राब हो गया, तो इसको अभी आज तो अच्छे से क्लीन करूँगी। ये रैक हो गई है क्लीन, और ये मसाला दानी है, इसमें मसाला भरने हैं तो बाद में भरूंगी, खाली पड़ी है, थोड़ी डब्बी है इसकी तो थोड़ा सा अंदर से मसाले फैल जाते हैं, तो पूरा मैंने निकाल के क्लीन करके तब रखा, और इसमें जब फ्री हो जाऊंगी ना शाम को खाना बनाऊंगी तभी मसाले भरूंगी, अभी इसमें मसाले ख़त्म हो रखे हैं सारे, और इधर ये सारे मैंने टावल, किचन टावल वगैरह लगा दिए हैं, और अभी ये कप है ना डेली वाले कप हैं जो ख़राब हो गए हैं, बड़े वाले जो कप हैं कॉफ़ी मग वो ख़राब हो गए हैं, तो ये मैंने निकाल दिए हैं डी मार्ट से, मैं लेके आई थी कल दो दो कप ही, वैसे तो कोई आता है तो उनके लिए मैंने अलग मंगा के रखे हैं तो वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस हम दोनों ही होते, वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ, संडे में हम दोनों होते हैं तो उस हिसाब से मैं 2 कप ले आई थी बस बाहर डेली यूज के लिए, और बाकी छोटे कप मैंने ले रखे हैं तो वो यूज़ हो जाते हैं, वो मैंने कप निकाल दिए, पुराने हो गए थे और ऊपर से थोड़ा चटक भी गया था तो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं अभी 2 3 दिन पहले ही डी मार्ट जब मैं गई थी तब वहाँ से मैं ये कप लेके आई थी, तो देखिए हो गया है अभी पूरा, मतलब काउंटर टॉप साफ़ हो गया है, गैस एकदम से हो गया है क्लीन, और किचन हो गया है क्लीन अभी पूरा। विंडो हो गई क्लीन, और ये जो बास्केट है ना ये नीचे से, ये नीचे है ना पानी निकलता है ना गंदी हो जाती है ये बहुत, इसको साफ़ करते रहना पड़ता है, नहीं तो धब्बे धब्बे लग जाते हैं, और अंदर तो ना बहुत डर, मतलब जाली जाली सी बनी हुई है तो साफ़ करने में थोड़ा है ना वो लगता है, हाथ कट जाता है, इसमें मेरा 1 2 बार पहले कट गया था क्योंकि अंदर जाली जाली ना हाथ अंदर डाल डाल के साफ़ करना होता है, तो देखिए कर दिया है क्लीन अभी मैंने ये, अभी देखो एकदम से बास्केट क्लीन हो गई है, और झाड़ू लगा दिया था किचन का,
और उसके बाद बर्तन ज़्यादा नहीं थे आज, क्योंकि बर्तन सिर्फ राजमा चावल ही बनाए थे, तो चावल तो अभी कुकर में ही रखे हैं, बस राजमा का ही कुकर मैंने खाली कर दिया था, और गैस के ही बर्तन थे जो गैस के ऊपर लगाने के हैं स्टैंड वगैरह, वही थे, तो बर्तन ज़्यादा नहीं हुए आज। तो देखिए हो गया है, अभी ये ऊपर से काउंटर टॉप साफ़ हो गया है, झाड़ू लग गई है, और बाकी पूरी किचन ऊपर से क्लीन हो गई है, बस अब नीचे से सिंक के नीचे का ये थोड़ा सा क्लीन करना है, इसमें नीचे ना कचरा जम जाता है नाली के पास, तो इसको साफ़ करते ही रहना पड़ता है, नहीं तो फिर बदबू भी आने लग जाती है, और फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर साफ़ नहीं होता है, फिर घिन आती है साफ़ करने में, ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मैं इसको रेगुलरली 2-3 दिन में ना वैसे भी करती ही रहती हूँ, चूना मार के नीचे से पानी डाल के वाइपर लगा देती हूँ, तो उससे साफ़ सही रहता है, और फिर है ना डस्टबिन वगैरह भी रखते हैं तो मच्छर कम होते हैं अगर साफ़ सुथरे में रखो तो। यहाँ पर मैं दोनों डस्टबिन रखती हूँ, सूखे कचरे वाला और गीले कचरे वाला, तो अभी साथ की साथ मैं बस कर ले रही हूँ सारा फर्नीचर क्लीन, और ये फर्नीचर पे भी है ना थोड़े धब्बे लगे हुए हैं, पहले जो रहते होंगे कुछ उसका थोड़ा सा वाइट वाइट से पता नहीं कुछ लगा हुआ, हालांकि वीडियो में इतना दिखता नहीं है, बहुत गौर से देखते हैं ना तब दिखता है, वैसे तो साफ़ सा है पर थोड़ा हल्का सा ऐसा लगता है वाइट वाइट। तो देखिए किचन हो गया है पूरा क्लीन अभी एकदम से, 1 घंटे में पूरा किचन क्लीन हो गया, और अभी अच्छा भी लग रहा है, चीज़ें जगह पर सेट हो गई हैं, मुझे भी पता है कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, डब्बे वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं उस हिसाब से ही, जो चीज़ें रेगुलर यूज होती हैं वो उस हिसाब से रख दी हैं। तो पहले देखिए किचन कैसा लग रहा था, और अभी एकदम साफ़ होने के बाद एकदम से अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ी सी एडिटिंग, अभी गार्बी को आने में टाइम है तो उसको लेने जाऊंगी बाद में स्कूल से, तो इस ब्लॉग का मैं कर देती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।